नमस्कार, मैं शिल्पा और आप देख रहे हैं आवाज। तो आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य सुर्खियों पे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टीम का दावा, सितंबर तक उपलब्ध हो सकती है कोरोना वैक्सीन। रूस ने वैक्सीन की तकनीक साझा करने की पेशकश की, बाकी देशों के मुकाबले ज्यादा प्रभावित बताया। तानाशाह किम जोंग की बहन किम यू जोंग के खिलाफ साउथ कोरिया में मुकदमा दर्ज, बम से उड़ाया था लॉन्च ऑफिस। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य हो सकता है जल्द शुरू। भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री को भेजी गई 3 और 5 अगस्त की तारीख। नेपाल को अब भारत में सड़क और बांध निर्माण पर आपत्ति, सरकार को भेजा डिप्लोमेटिक नोट। गुजरात में बड़ा हादसा, ढोलका तहसील में जहरीली गैस के रिसाव की आशंका, 4 लोगों की मौत। 125 दिन बाद शुरू हुई द कपिल शर्मा शो की शूटिंग, शो पर अब नहीं दिखेंगे लाइव ऑडियंस, सोनू सूद बनेंगे पहले मेहमान। परीक्षा को लेकर UGC ने फिर जारी किया बयान, अगस्त सितंबर में 366 यूनिवर्सिटी में होगा एग्जाम। मौसम विभाग ने बिहार सरकार को किया अलर्ट, अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना को लेकर मुख्य सचिव को भेजा पत्र। तो आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य खेल समाचार पर। IPL 2020 फ्रेंचाइजों ने UNA में होटल चुनने की शुरू, चार्टर्ड प्लेन से जाएंगे खिलाड़ी। कोरोना के बीच श्रीलंका अफगानिस्तान के बाद बांग्लादेश के खिलाड़ी शुरू करेंगे प्रैक्टिस। खेल रत्न नॉमिनेशन पर हरभजन की सफाई, कहा मैं देश के सबसे बड़े खेल पुरस्कार के पात्र नहीं, मैंने ही पंजाब सरकार से नाम वापस लेने को कहा। आगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे आवाज, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।